हेलो गाइस, मैं हूँ विराज। तो गाइस, आज मैं सुनाने वाला हूँ एक घड़े और एक शेर और एक चंपू की कहानी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक समय की बात है, एक चंपू नाम का एक इंसान था, रहता था। उसके घर में शेर हो गया और टपकाने लगा था ऊपर से। तो एक शेर बारिश में भीगता भी तो एक शेर टपका में भीगता भीगता जहाँ पे वो अपने गधे रखता है वहाँ पे आ गया। तो ना उसने ना तो वो शेर उसमें घुस गया। तो वो गधे के बजाय शेर के ऊपर बैठ गया। तो वो अपनी मौसी के पास जा रहा था। तो वो गधे के बजाय शेर के ऊपर बैठ गया। फिर शेर को लगा कि शेर के ऊपर टपका बैठ गया है। तो शेर दो अंडे लगा। तो दौड़ते दौड़ते सुबह हो गई और सभी इंसान अपने घर के बाहर आके बोलने लगे, अरे वाह, ये तो गधे के बजाय शेर पर बैठ गया। तो ना वो भागते भागते जंगल में पहुंच गए। टपका एक सड़ी तोड़ कर पेड़ के ऊपर बैठ गया। फिर उसे भागता गया तो उसे एक भालू मिला जाते हुए। तो भालू को शेर ने टपका के बारे में सब कुछ बताया। तो भालू पेड़ पे उल्टा चलने लगा। तो उसके पिछवाड़े में उसके हाथ से छड़ी टूट के भालू के पिछवाड़े में लग गई। तो दोनों भाग गए। बाय और नमस्कार।